हेलो स्टूडेंट, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली। आपका अभी दिवाली भी हो गया, हैप्पी न्यू ईयर भी हो गया। अभी आपका सेकेंड सेम स्टार्ट हो रहा है, जो आज आपको मैं चैप्टर वन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से करवाऊंगी। ईवीएस से सब्जेक्ट कौन सा है? ईवीएस स्टैंडर्ड थर्ड। अभी चलो मैं आज आपको ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चैप्टर आज आपको मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी। अभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। रोड से जाते हैं, वाटरवेज से जाते हैं, रेलवेज से, एयरवेज, ठीक है। ये क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के? फोर क्या है? वन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल डिवाइड इनटू फोर टाइप्स है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फोर टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलो आज मैं आपको इसका चैप्टर एक्सप्लेन करवाऊंगी। वी ऑल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। हम ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, तो किसका यूज करते हैं? देखो, यू गो टू स्कूल एवरी डे, योर पेरेंट्स गो टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, यू ऑफ्टन हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स, समटाइम्स यू ऑल्सो गो टू अनोदर सिटी टू विजिट योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस। देखो, हम रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आपके पेरेंट्स वर्क काम पे जाते हैं, तो क्या यूज करते हैं? देखो, रोडवेज है, कार्स है, वाटरवेज में क्या आता है? शिप है, बोट्स हैं, वो वाटरवेज में आएगा। रेलवेज में रेल, ये सब किस में आएगा? रेलवेज रेल में आएगा। और एयरवेज में क्या आएगा? एरोप्लेन्स वगैरह आप यूज करते हो ना, तो वो सब क्या है? ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड, देखो मैंने हार्ड वर्ड्स बोर्ड पे कर लिख दिए हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। रोडवेज, इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोडवेज। ऑल द सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया आर कनेक्टेड टुगेदर बाय रोड्स। मैनी रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स टू कनेक्ट देम टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। Roads linking rural areas to towns help to transport crops, fruit, vegetables quickly. देखो, उस ट्रांसपोर्ट से हमसे क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो हमको क्या मिलता है? क्विकली, जल्दी मिल जाता है, ठीक है। बाय रोड ट्रक वगैरह आते हैं, उसमें आपको वेजिटेबल्स वगैरह उससे सब अपने को प्रोवाइड होता है, ठीक है। वाटरवेज द स्लोएस्ट बाय द बट द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज क्या है? स्लोएस्ट, स्लो है, बट वो क्या है? चीपेस्ट, चीपेस्ट मीन सस्ता है। बोट्स कैरी पीपल एंड गुड्स अप एंड डाउन अवर कोस्ट एंड ऑल्सो सम एंड रिवर्स लाइक द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। स्टीमर्स आर ऑल्सो यूज इन दीज रिवर्स। पोर्ट्स आर बिल्ट ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। बल्कि लोड्स आर सेंट बाय द शिप्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इंडिया हैज 11 मेजर पोर्ट्स ऑल अलोंग इट्स कोस्ट। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। अभी इसका रेलवेज, द इंडियन रेलवे इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द बिगेस्ट इन एशिया। ट्रेन कैरी मिलियंस ऑफ पीपल एंड टर्न्स ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स, जो माल सामान होता है, जो टर्न्स और मिलियंस में जाता है, क्या होता, वो किससे जाता है? देखो, ट्रेन से। रेल ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेशली गुड्स फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्की गुड्स सच एज फूड ग्रेन्स हैवी मशीनरी कोल सीमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। वो किससे देखो जाता है? देखो, ट्रेन से। सीमेंट है, कोल, कोलसा है, हैवी मशीनरी है। इन बिग सिटीज लाइक मुंबई एंड चेन्नई लोकल ट्रेन कैरी मिलियंस ऑफ पीपल टू देयर वर्क प्लेसेस एंड बैक टू देयर होम्स। इन सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु वी हैव मेट्रो ट्रेन सिस्टम। मेट्रो ट्रेन सिस्टम वहाँ पे चलता है, ठीक है। अभी एयरवेज, एयरवेज प्रोवाइड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा है, हर कोई प्लेन से नहीं जा सकता है। टूडे वी कैन फ्लाई टू ऑलमोस्ट एन प्लेस ऑन द अर्थ विद इन अ फ्यू आवर्स। में थोड़े समय में हम जा सकते हैं, और 15 मिनट्स हैं, हाफ आवर्स हैं, ठीक है। एयरवेज से, ट्रेन से हमको टाइम लगता है, ये फास्टेस्ट है क्या? एयरवेज। द नेम ऑफ सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, मीनाकपट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
चेन्नई लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद एंड गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। अभी ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आपको ये रीड करना है और उसके हार्ड वर्ड्स मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिए जो आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।